मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटा, आज हम अपना कलरफुल काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्रेयर करेंगे। लेट्स स्टार्ट प्रेयर। आज आपको मैं कलरफुल क्लास में लेकर आई हूँ। ये है हमारी आज की क्लास का टॉपिक, इजी रंगोली मेकिंग। ठीक है बेटा, आप देख पा रहे हैं कलरफुल रंगोली हमने रखी हुई है। तो क्लास 1-2 के बच्चे, आप ध्यान से बेटा देखेंगे मुझे और अपनी नोटबुक ले आइए, पेंसिल ले आइए और मेरे साथ साथ इजी रंगोली बनाना सीखिए। हमने रंगोली कलर्स के साथ पेपर पे बनाना है बेटा, ड्राइंग एंड कलरिंग के साथ। तो सभी बच्चे देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट करें हम। सब नोटबुक ले आए अपनी ड्राइंग की? ओके, चलो ये पेपर शीट ली हमने और हमने सर्कल बनाना है। जैसा कि इस रंगोली में आपने देखा है, ये सर्कल है, 1-2-3 सर्कल्स में बनी हमारी रंगोली। तो हम सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए आपको हमेशा मैंने ऑब्जेक्ट यूज करने को कहे, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके के, ताकि आप अच्छी तरीके से सर्कल बना सके। ये मैंने सीडी ली है, ओल्ड सीडी, आप कोई सी ले सकते हैं और उससे पेपर के सेंटर में पहले सर्कल बनाएंगे। फिर एक और सर्कल चाहिए थोड़ा छोटा, उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट यूज करिए जो थोड़ा छोटा हो। और लास्ट में एक और छोटा सर्कल, ये मैंने कलर की बॉटल यूज करी है। आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट हो उसे आप यूज करिए। और सर्कल बेटा सब बच्चों ने अपने आप बनाना है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट्स, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज करे और उनसे हमारे ये 3 सर्कल्स बन गए। बिल्कुल ईजी था, ऐसे ही आपने भी बनाना है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक ऐसे डॉट लगाएंगे और फिर नेक्स्ट डॉट लगाएंगे। आप चाहें तो स्केल से भी ऐसे कर सकते हैं। यहाँ डॉट लगाई और फिर यहाँ डॉट लगाया। इसी तरह से इसको भी सेंटर में ले लीजिए और 2 डॉट्स लगानी है हमने इधर और इधर, और फिर ये 4 डॉट्स के बीच में एक एक डॉट और लगाएंगे हम। ये डॉट हो गई हमारी। अब इनको हम मिला देंगे ऐसे ऐसे। ये इस तरीके से हमारे डॉट्स मिलके हमारा डिजाइन बनेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने डिजाइन को थोड़ा और बढ़ाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे एक लाइन लेंगे। आप स्केल से की हेल्प से कर सकते हैं और फिर ऐसे। अब हम इस तरीके से हर ये जो हमारे जितने पेटल्स हैं सब पे हम एक एक इस तरीके से ट्रायंगल का शेप बनाते जाएंगे उन्हीं डॉट्स को मिला के। ये देखिए, जो ये 2 डॉट हो गई दोनों पेटल्स पे, और उसी को हम अगला भी ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप स्केल से बनाइए, स्केल से आप अच्छी तरीके से बना पाएंगे।
इस तरीके से ये हमारा सारा पैटर्न बन जाएगा रंगोली का। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हमने, थर्ड स्टेप। पहले हमने थ्री सर्कल लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने ये वाले लूप्स बनाए डॉट के साथ, थर्ड स्टेप में ये किया हमने ट्रायंगल। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल को जो ये दोनों पॉइंट है इन पे हम इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे। सभी बच्चे देखिए बेटा ध्यान से कैसे मिलाना है इनको। ये अब ये हमारा डिजाइन हो गया कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है स्केच पेन से आउटलाइन, ब्लैक स्केच से आउटलाइन करने का इजी तरीका आपको मैं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि सर्कल में आउटलाइन करना उतना इजी नहीं होता। तो आपने जिन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से पेंसिल से बनाया था उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रखकर आप ऐसे आराम से और फिर स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। देखिए ध्यान से मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गया आपका बड़ा सर्कल, उसके बाद ये छोटा सर्कल उससे। इस तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट ये और छोटा था हमारा, उसको भी ऐसे ही रखकर हमने फिर बनाना है। और इस तरीके से ये हमारी इसकी आउटलाइन हो जाएगी। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे, कोई आपने जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन हो जाएगी आपकी बेटा। ये जब सर्कल की आउटलाइन हो जाए आपकी तो फिर आपने बाकी चीजों की भी आउटलाइन कर लेनी आराम से। ये देखिए सर्कल की कर ली, सर्कल की हम ऑब्जेक्ट्स रख के कर लेंगे और बाकी को फिर हम इसी तरीके से अपने स्केच पेन के साथ आराम आराम से धीरे धीरे सबकी आउटलाइन करेंगे। ये आउटलाइन होगी, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम करेंगे कलरिंग। कलर के लिए बेटा मैं ये थ्री कलर यूज कर रही हूँ, ये स्केच पेन है, स्केच पेन से कर रहे बता रही हूँ आपको कलर। आप चाहे तो ऑयल पेस्टल से, क्रेयॉन से या पेंसिल कलर से, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप उनको यूज कर सकते हैं। रेड, ब्लू एंड येल्लो, ये थ्री कलर्स हम ले रहे हैं, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है बेटा, ये तीनों प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येल्लो। तो आपको रंगोली के साथ साथ प्राइमरी कलर्स का भी पता चल जाएगा, थ्री कलर्स हैं हमारे। अब हम येल्लो से स्टार्ट करें, अंदर से हम पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला सर्कल जो है हमारा अंदर का, वो येल्लो करेंगे। उसके बाद बाहर हमारा उसके रेड होगा, ये जो छोटे हमारे सर्कल्स हैं हाफ। इस तरीके से इनमें सारे पेटल्स में आपने रेड करना है। और उसके बाद इधर हमारा है रेड के बाद फिर यहां पर हमारा येलो आ जाएगा। ये ट्रायंगल्स भी हमने येलो करने हैं। कलर आप कैसे भी स्कीम, कलर स्कीम ले सकते हैं, टू टाइम्स रेड करिए या थ्री टाइम्स येलो करिए, टू टाइम्स ब्लू करिए, वो आपको अपने आप देखना है बेटा। उसके बाद हम यहाँ इस वाले ट्रायंगल में ब्लू कलर लेंगे।
और फिर हम रेड लेंगे इस पेटल में। हम रेड ले रहे हैं फिर से, बस थ्री कलर्स में आपको ये रंगोली कंप्लीट करनी है। और बाद में फिर हमारा यहाँ बाहर जो है सारा येलो आ जाएगा। मैंने कंप्लीट करके कलर शीट रखी है जो, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इसमें क्या किया है मैंने, जैसे ये आपको बताया है मैंने, इसमें बाहर इस तरफ से भी मैंने ट्रायंगल ऐड कर दिए हैं। तो आप कैसा भी उसको चेंज कर सकते हैं, कलरिंग इसी तरीके से होगी आपकी। ये थ्री कलर्स लिए हैं मैंने, रेड ब्लू एंड येलो। तो समझ आया बेटा सभी बच्चों को? आपको और भी रंगोली मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाई थी, ये देखिए इसमें भी सर्कल के साथ ही हमने बनाया है, बस इसमें कलर दूसरे हमने यूज किए हैं। येलो लिया है, वायलेट कलर लिया है, ग्रीन लिया है, तो आप जैसे भी चाहें वैसे कलर यूज कर सकते हैं। और सिर्फ थ्री सर्कल से आपका ये सारा रंगोली का पैटर्न बना है। ये देखिए, ये भी स्टार्टिंग में आपको जो मैंने दिखाया था, थ्री कलर्स लिए हैं हमने और सर्कल्स भी लिए हैं इसी तरीके से, बड़ा सर्कल, उसके बाद फिर छोटा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, और ये सारे हाफ सर्कल के लूप्स बनाए हैं जैसे आपको मैंने दिखाया था। तो ठीक है बेटा, आपको ये कलरफुल लेसन बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और इसको करना है आपने। पहले आप ड्राइंग करेंगे, जब ड्राइंग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कर लें, उसके बाद आप इसको कलर के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेटा, सभी बच्चे काम स्टार्ट करिए। ओके बाय।